1925 की विजयादशमी को छोड़ दिया तो प्रत्यक्ष इतने कम स्वयंसेवकों की उपस्थिति में पहली बार ये उत्सव हो रहा है। योजना से ऐसा है क्योंकि उत्सव का तो आनंद है, सर्वदूर है, विजयादशमी अपना विजय पर्व है, सारे समाज में आनंद है, लेकिन कोरोना के कारण बंधन भी है। उत्सव का हर्ष मन में रखते समय ही इस पूरे कोरोना की कालावधि में उस बीमारी के कारण अथवा इस विशिष्ट परिस्थिति में अन्य कारणों से भी जो बंधु विदा हो गए दुनिया से, उनके स्मरण का विषाद भी है। और इसलिए एक विचित्र परिस्थिति है और उसका कारण हम सब जानते हैं, कोरोना की महामारी उसका कारण है। अब ये सारी कोरोना महामारी में चाइना का नाम आता है, वो पता नहीं क्या है, संदिग्ध नहीं, निसंदिग्ध कुछ नहीं, शंकाएं हैं, संदिग्धता है, लेकिन चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में, हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है, इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया, कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तंग के खड़ा हो गया, भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया, सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है, और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं। और इसलिए इसका उपाय क्या है, सतत सावधानी, सजगता और तैयारी। सामरिक तैयारी में, आर्थिक अपनी स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, अपने संबंधों में और पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों में हमको चाइना से शक्ति में, व्याप्ति में बड़ा होना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है, हमको ये करते रहना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो हम चाइना को रोक सकते हैं, पड़ोसी देश ब्रह्म देश है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये केवल हमारे पड़ोसी थोड़े हैं, ये तो हजारों वर्षों के साथ हमसे संबंधित लगभग हमारी प्रकृति वाले, हमारे स्वभाव वाले देश हैं। तो इनके साथ जल्दी हमको जोड़ लेना चाहिए, मतांतर तो होते ही है, मतभेद होते हैं, विवाद के विषय भी होते हैं, सीमाएं जब लगती है तो विवाद होते ही है, घर एक दूसरे को लगता है तो कुछ तो विवाद छोटा बहुत रहता ही है। इन सारी समस्याओं से मनमुटाव न होने देते हुए हमको इनको दूर करने का प्रयास अधिक गति से करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सबसे मित्रता करने वाले, हमारा स्वभाव किसी से लड़ने का नहीं है, लेकिन हम मित्रता करने वाले हैं इसका मतलब हम दुर्बल नहीं है, हमारी मित्रता की वृत्ति को दुर्बलता समझकर
और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चाहे जैसे झुका सकते हैं इनको, हम चाहे जैसे इनको मोड़ सकते हैं, उनके गलतफहमी कम से कम अब तो दूर हो गई होगी। हमारी सेना की देशभक्ति, वीरता, हमारे शासनकर्ताओं की आज की स्वाभिमानी नीति और भारत के लोगों का ऐसे प्रसंगों में एकजुट खड़ा होकर नीति धैर्य के साथ आने वाली परिस्थिति का मुकाबला करना, चीन को यह पहली बार अनुभव मिला होगा, उससे उसने समझ जाना चाहिए। ऐसा मानस जो मन में रखते उनको सबको समझना चाहिए कि इतने कच्चे हम नहीं है, ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम लोगों की सजगता, तैयारी और दृढ़ता किसी प्रकार कम नहीं पड़ेगी। सारे राष्ट्र में आज यह आत्मविश्वास की हवा चल रही है। हमको उस सजगता को, उस सावधानी को, उस एकता को बनाए रखना पड़ेगा और अपनी तैयारी को बढ़ाते रहना पड़ेगा।